कोरोना संकट के बीच एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए 20 लाख करोड़ रुपए के बड़े आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है। पीएम मोदी ने इसे आत्मनिर्भर भारत पैकेज नाम दिया है। उन्होंने कहा है कि इस पैकेज से अर्थव्यवस्था की गाड़ी पटरी पर दौड़ेगी। तो किन किन खातों में आएंगे पैसे, जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मंगलवार की रात 8 बजे देश को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने बड़े राहत पैकेज का ऐलान किया है। कोरोना संकट की वजह से सब कुछ बंद है। पीएम मोदी ने बताया है कि इस पैकेज में वित्त मंत्री और आरबीआई के द्वारा पहले किए गए राहत ऐलान जुड़े हैं। पीएम मोदी ने कहा है कि 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज भारत जीडीपी का करीब 10% हिस्सा है। इन सब के जरिए देश के विभिन्न वर्गों और आर्थिक कड़ियों को जोड़ने में बल मिलेगा। 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज 2020 में देश की विकास यात्रा को आत्मनिर्भर भारत अभियान को एक नई गति देगा। इससे पहले पीएम मोदी ने कहा है कि थकना, हारना, टूटना, बिखरना मानव को मंजूर नहीं है। सतर्क रहें, ऐसे जंग के सभी नियमों का पालन करते हुए अब हमें बचना भी है और आगे भी बढ़ना है। इस दौरान पीएम मोदी ने भारत के 5 पालर्स का जिक्र किया है, जिन्होंने कहा है भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 5 पालर हैं। गौरतलब है कि कोरोना वायरस की वजह से पूरे देश में 25 मार्च से लॉकडाउन लागू है। लॉकडाउन 3 की मियाद 17 मई को पूरा हो रहा है। इससे पहले पंजाब, बिहार समेत कई राज्य के मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान पीएम मोदी से लॉकडाउन बढ़ाने की मांग की थी। पीएम मोदी ने कहा है कि लॉकडाउन को लेकर कई फैसले किए गए, इसके बारे में देश को 18 मई से पहले बता दिया जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट कर अवश्य बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कोरोना वायरस की न्यू अपडेट हम ऐसे लाते ही रहते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।